दोस्तों, आज का हमारा औषधीय पौधा है एलोवेरा। इसे घृत कुमारी और गंवार पाठा के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह कई बीमारियों को दूर करने के लिए काल के समान होता है। इसके उपयोग से चमत्कार स्वरूप परिणाम मिलते हैं। आज हम इसी के 15 बड़े फायदों के बारे में बताने वाले हैं, तो जानकारी बेहद खास होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए आओ देखें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। ऐसा करने से आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। आइए बताते हैं इसके उपयोग विधि और फायदों के बारे में। इसका पहला फायदा है गठिया रोग के लिए। इसके ताजे मुलायम गूदों को 8-9 ग्राम की मात्रा में कुछ दिन तक खाते रहने से गठिया रोग दूर होता है। दूसरा फायदा है चोट, सूजन आदि में जो दर्द होता है उस दर्द को दूर करने के लिए। इसके ताजे गूदे में हल्दी चूर्ण मिलाकर हल्के गर्म करके पोटली बांधकर सेकने से दर्द का अंत होता है। तीसरा फायदा है यदि कोई घाव, फोड़ा, फुंसी, पिंपल्स हो गए हों तो पिंपल्स को हटाने के लिए इसके पत्ते का गुदा लगाने से घाव जल्दी भरते हैं और पिंपल्स भी आसानी से दूर हो जाते हैं। चौथा फायदा, यदि पेशाब करने में जलन हो रही है या फिर रुक रुक कर बार बार पेशाब जाता है तो इसके ताजे गुदे में मिश्री मिलाकर 4-6 ग्राम कुछ दिनों तक खाने से जलन समाप्त हो जाती है और आराम मिलता है। पांचवा फायदा, यदि हमारे शरीर में कोई अंग आग से जल गया हो तो आप तुरंत ही इसके गूदे का लेप करें तो जलन शांत हो जाता है और फोफड़े भी नहीं पड़ते हैं। छठवां फायदा, यदि कहीं पर कोई ऐसा फोड़ा है जो कि पक नहीं रहा हो तो आप एलोवेरा के गूदा में हर्रे का चूर्ण मिलाकर फोड़ा पर बांधने से फोड़ा जल्दी पक कर फूट जाता है। सातवां फायदा, इसके पत्ते का रस निकाल कर हल्का गर्म करके दर्द हो रही कान को छोड़ करके दूसरे कान में 1-2 बूंद डालने से कान का दर्द दूर होता है। आठवां फायदा है आंखों का दर्द दूर करने के लिए। इसके पत्ते, गुदा और उसमें थोड़ा सा हल्दी चूर्ण मिलाकर थोड़ा हल्का गर्म करके कपड़े में रख कर फिर इसे आँखों के ऊपरी त्वचा पर बांधने से आँखों की पीड़ा दूर होती है। नवा फायदा है सिर दर्द के लिए। इसके गुदे में हल्दी चूर्ण मिलाकर हल्का गर्म करके मस्तक पर लगाने से सिर दर्द नहीं होता है। दसवा फायदा है यदि बाल झड़ रहे हो, डैंड्रफ हो गया हो, समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हो, तो दोस्तों आप चिंता न करें। आप एलोवेरा के गूदे के साथ नींबू का रस मिलाकर बालों में लगाएं तो और फिर नहा लें तो आपका बाल मुलायम, घना, काले होने लगेंगे, बाल झड़ना बंद हो जाता है। बालों के लिए इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। ग्यारहवां फायदा है डायबिटीज के लिए। शुगर बीमारी के लिए एलोवेरा के गुदा एवं आंवला का रस मिलाकर उचित मात्रा में सेवन करने से मधुमेह सामान्य होने लगता है। बारहवां फायदा है अगर आप सुंदर त्वचा पाना चाहते हैं तो उसके लिए एलोवेरा जूस का सेवन जरूर करें। इसके जूस का सेवन करने से चेहरे पर चमक आती है और कील मुहासे झुर्रियां नहीं पड़ते हैं। तेरहवां फायदा है इसका जूस का सेवन पानी के साथ कुछ दिनों तक करते रहने से पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वह सब दूर होते हैं। पेट साफ होने से आपकी भूख भी बढ़ती है। चौदहवां फायदा है रस। इसके रस का नियमित रूप से सेवन करने से शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है। पंद्रहवां फायदा है इसके रस का सेवन
करने से मोटापा को घटाने में यह सहायक होता है। इसके लिए इसके 8-9 मिलीलीटर रस को एक गिलास पानी के साथ मिलाकर पिए तो काफ़ी लाभ होता है। तो यही सब थी दोस्तों एलोवेरा से होने वाले महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानकारियाँ।